निकालने के लिए आपको लगता है सर किस तरीके से आते थे? ऐसा है कि जो सब कानून लाने वाले थे वो सब कानून मानवीय अत्याचार के लिए ही लाने वाले थे, और इसीलिए आवाज नहीं उठनी चाहिए और ये देश को पता ही नहीं चलना चाहिए ये कानून है क्या, इसके लिए उनको बाहर ही निकाला गया था। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या थी, भारत को मालूम ही नहीं कानून क्या आने वाला है। ये 90 दिन जेल में रखना विदाउट बेल, ये कोई कानून है? पुलिस की तो मजा हो गई, मजा, फोन आ गया साहब इसको टाइट करो 90 दिन। और आज के वाला आपको मालूम है पुलिस तो सिर्फ फोन पे काम करते हैं, ऊपर से फोन आया, ऊपर से किधर से आता है मेरे को ही मालूम नहीं, ऊपर कौन है। अरे ये सोची समझी साजिश ही है, इस देश को पुलिस राज बनाने का जो प्रयास हो रहा है, प्रयास हो रहा है, इसके अंतिम चरण में हम आ गए। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बेल ये अधिकार है, उस अधिकार को खींच मत लेना। कानून बदलने की का प्रस्ताव रखा गया इस कानून में। एक कानून ये भी था कि ट्रक मोटर एक्सीडेंट में अगर कोई आदमी मर जाता है तो ड्राइवर को 2 साल की सजा होती थी पूरे जांच के बाद। अब ये कानून बदल के ड्राइवर को 10 साल की सजा दी गई है और उसे 15 लाख का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक तो पहले ही रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राइवर भारत में 40% कम है, और हमारी पूरी सप्लाई चेन जो है धान्य से लेके पेट्रोल तक, ये सप्लाई चेन ट्रक के ऊपर अवलंबित है। अब ये तो नहीं है कि हर बार ड्राइवर की ही गलती होती है, कुछ लोग डिवाइडर के ऊपर कूदी मार के बाहर आते हैं, कुछ गाड़ियां अचानक से रुक जाती है, तो पीछे का ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? चारों तरफ से सोच के निर्णय लेना चाहिए था। इसमें तो आपने ट्रक ड्राइवर को गुनहगार ही साबित कर दिया है, और इसलिए ट्रक ड्राइवर अब गए हड़ताल पे। मैं इस हड़ताल का पूरा समर्थन करता हूँ। ऐसे कानून लाके आप पूरे देश को ही अंदर करना चाहते हो। पहले 14 दिन में जामीन मिलता था, बेल मिलता था, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के मसूदे पे बात करते हुए कहा था कि बेल लेना ये किसी भी मुजरिम की का अधिकार है, उसको बेल मिलना ही चाहिए। आपने वो बेल बढ़ा के 90 दिन कर दिया, तो आप किसी को भी उठा के 90 दिन जेल डाल सकते। 90 दिन जेल में जाना यानी खत्म। तो ऐसे जो कानून में बदलाव आ रहे हैं और जो देश के जनता को मालूम ही नहीं है, मैं उनको अगवा करना चाहता हूँ कि तुम्हारा, तुम अगर गाड़ी से जा रहे हो और तुम्हारे सामने कोई आदमी आ गया गलती से और तुमने उसको उड़ा दिया और वो गलती से मर गया, तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। ये सब राक्षसी कानून है, ये कोई लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बनने वाले कानून नहीं है। ये सिर्फ लोगों को डर दिखाने का काम हो रहा है, और ये देश एक जेल हो जाएगा और कुछ नहीं है। सर पहले नोटबंदी के बाद एटीएम के बाहर लाइन लगी थी, आज पेट्रोल पंप के बाहर लाइन है, नहीं लगेगी ना अभी, तो भी बंद होने वाली है कल से। ऐसा है कि तुम मानते ही नहीं हो, तुम जुल्म बढ़ाते ही जा रहे हो। किसान के 4 बिल जो आए थे वो खतरनाक थे, लोग बता रहे थे आपको, आप माने नहीं, किसान आंदोलन हुआ। जब आपको पता चला कि किसान आंदोलन अब हाथ से बाहर चला जाएगा, फिर आपने वापस लिया। कल अगर यही ट्रक ड्राइवर रास्ते पे ट्रक छोड़ के चले गए तो आपको देश बंद करना पड़ेगा, देश बंद। आप सोचते ही नहीं हो, हर काम पुलिस और मिलिट्री नहीं कर सकती है।
लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम गोलियां खाएंगे, लेकिन हमारी जो भूमिका है उससे नहीं हटेंगे। लोगों के ऊपर ये कानून लादा गया है, कुछ लोगों ने इसका जो ऐसा कानून आने वाला है किसी से चर्चा ही नहीं, मालूम ही नहीं हुआ। ये तो कल जब ट्रक वालों ने बाहर आके आंदोलन शुरू किया तब मेरे जैसे को मालूम पड़ा कि ऐसा कानून आ रहा है। 10 साल की सजा, उसकी क्या गलती है? अभी कितने बार मोटरसाइकिल वाले ऐसे कट मार के जाते हैं, वो क्या करेगा बेचारा? 10 साल जेल किसको बोलते हैं? उसकी तनख्वाह क्या होती है? अपने उसको 15 लाख जुर्माना भरने को कहा है, कहां से लाएगा 15 लाख? वो रहता है झुग्गी झोपड़ी में। अगर वो MSc BSc IT रहता तो ट्रक क्यों चलाता? और ट्रक का महत्व क्या है ये आने वाले दिनों में पूरे भारत को पता चल जाएगा। सरकार ने इस चीज को विश्वास में लिया, ऐसा है कि ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को विश्वास में लेना ही चाहिए था। कानून जब तक आप समाज को विश्वास में नहीं लेते, कानून का इस्तेमाल नहीं होता है, उसका अमल करने के लिए लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है। आपने जो बेल का कानून लाया है, 90 दिन आप कैसे क्या किसी को जेल में रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी में? आप क्या मारना चाहते हैं लोगों को? सब आने वाले 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, किस तरीके से? और ये कोई वागड़े स्टेट के नाका का संप नहीं है, ये पूरे भारत में संप हो रहा है। ये वागड़े स्टेट पे सेटलमेंट नहीं होगी इसकी। ट्रक आते हैं कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, आसाम, बंबई से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो यहाँ वहाँ ट्रक पहुँचते हैं। आपको मालूम है सब ट्रक मिलके भारत में हर रोज कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं? 1 करोड़ किलोमीटर। ना स्टैटिस्टिक्स कोई जानता है, ना कोई पूछताछ करता है। लगा दिया कानून, डाल दो जेल में। अरे आपके जेल भी इतने बड़े नहीं हैं कि आप लोगों को रख सको। थाना जेल में जितने कैदी रखने चाहिए उससे 20 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं। उनको टट्टी करनी नहीं मिलती है, टट्टी। इतनी भयंकर अवस्था है अंदर। खाना तो दूर की बात है, खाना तो मिलता ही नहीं है। खाना मिलता है वो पानी। जेल की सुविधाओं के तरफ ध्यान दो और फिर ऐसे कानून बनाओ।